हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो के जो एग्ज़ाम अब चल रहे हैं, तो दोस्तों आज मेरा भी एग्ज़ाम था। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा जो पेपर था वो आज तीसरी मीटिंग में था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला वाला जो पोर्शन था वो हिंदी का था उसमें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इसमें चार सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश में से, हिंदी और इंग्लिश में से एक करना है आपको, और उसके बाद जीके, मैथ और रीजनिंग, यानी कि चार सब्जेक्ट हैं 25-25 नंबर के, और 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों किस तरह के आज प्रश्न आए हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी आज एग्ज़ाम था। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न है इसमें दे रखा है, यानी कि जीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो इसमें जीके से एक प्रश्न ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति जो है उसका संबंध संविधान के किस भाग से है। तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना आने वाले जो आप एग्जाम है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें। दूसरा जो प्रश्न एक देखने को मिला था इसमें एक था, शाह कुली का मकबरा कहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें सभी में आपको चार चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो आपको उचित लगे उसको आपको आंसर देना है। तीसरा प्रश्न एक देखने को ये मिला था जीके में कि भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई थी। एक प्रश्न इसमें दोस्तों हिस्ट्री से देखने को मिला था कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, ये वाला जो प्रश्न है, एक प्रश्न ये देखने को मिला था कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। एक प्रश्न ये देखने को मिला था कि पंजाब में जो पांच नदियां बहती हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, और पांचों ऑप्शन मतलब नदियों के नाम दे रखे थे कौन कौन सी हैं इसमें, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि भाला फेंक में महिला खिलाड़ी कौन है। एक प्रश्न और प्रश्नों की बात की जाए तो करंट अफेयर से लगभग इसमें चार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको करंट पर ध्यान देकर जाना है। खेल से संबंधित भी इसमें चार से प्रश्न पूछे गए हैं, चार प्रश्न खेल से संबंधित पूछे गए थे। मुहावरे, तो दोस्तों हिंदी की अगर बात की जाए तो इसमें मुहावरे, कम से कम तीन मुहावरे पूछे जा रहे हैं, तीन प्रश्न मुहावरे के। और हिंदी में अगर लोक्ति, लोक्ति जो है उनसे भी दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हिंदी में अगर पर्यायवाची की शब्दों की बात की जाए तो पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं दो शब्द। विलोम शब्द की अगर इसमें बात की जाए तो दो ही शब्द इसमें विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं हिंदी में। गद्यांश से आपको चार प्रश्न पूछने को मिलेंगे, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें से ही आपको चारों प्रश्न देखने हैं। बहुत ही सिंपल है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था, चारों के चारों आंसर उसी में मिल रहे थे। एक प्रश्न वाद्य यंत्र से संबंधित भी था कि वाद्य यंत्र जैसे बीड़ा है, गिटार है, ढोलक है, तो इस तरह का एक प्रश्न था कि उससे क्या संबंध है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कम से कम तीन से चार प्रश्न आपको बर्तनी से पूछे जाएंगे, बर्तनी आप जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, हिंदी में तीन से चार प्रश्न बर्तनी से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ जो प्रश्न मुझे याद याद हैं मैं उनको लिख लाया हूँ और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें दो प्रश्न वाक्य शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं, इनके वाक्य दे दिए जाएंगे आपको और उनको शुद्ध रूप में लिखना है, ऑप्शन ही देना है। दो प्रश्न देखने को, अभ्य से एक प्रश्न देखने को मिला था, अभ्य जो शब्द होते हैं उनसे एक प्रश्न देखने को मिला था। रीजनिंग की अगर दोस्तों इसमें बात की जाए तो ब्लड रिलेशन से कम चार प्रश्न देखने को इसमें मिले हैं। आकृति से संबंधित इसमें कम से कम तीन से चार प्रश्न थे दोस्तों, आकृति जो रीजनिंग में है उससे। अंग्रेजी वर्णमाला से कम चार चार प्रश्न देखने को मिले हैं इसमें रीजनिंग में। मैथ की बात की जाए तो साधारण ब्याज से इसमें दो प्रश्न, एक प्रश्न इसमें दोस्तों बोर्ड मार्क्स का भी था। त्रिकोणमिति से भी दोस्तों इसमें एक सवाल था, इसका सीधा सीधा मान निकलवा रहा था। दिशा से संबंधित, दोस्तों दिशा से संबंधित इसमें केवल एक प्रश्न देखने को मिला है। पंक्ति में जो बैठाने वाले प्रश्न होते हैं दोस्तों ये तीन प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं, तीन प्रश्न थे दोस्तों इसमें। एक प्रश्न जीके में दोस्तों ये था कि आदिवासी महिला दलित समाज, यानी कि आदिवासी महिला, यानी कि हाँ
आदिवासी महिला दलित समाज से संबंधित जो आयोग है उसका कार्यालय कहाँ पर है, कुछ इस तरह से ये प्रश्न था, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, कुछ इसी तरह से था मतलब। और भारतीय जो खेल प्राधिकरण है उससे संबंधित था एक प्रश्न कि ये खेलों में मतलब प्रोत्साहन के लिए लगभग खिलाड़ी को 1 साल में कितने रुपए देते हैं। तो दोस्तों आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आप देखकर उसी हिसाब से इसमें पढ़कर जाना कि किस चैप्टर से ज़्यादा या किस किस एक्सरसाइज से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम था ग्रेटर नोएडा, नोएडा में जो सेक्टर 62 में जो कि लैब है वहाँ पर IUN डिजिटल जोन जो है वहाँ में, उसमें मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। तो वहाँ से मैंने कुछ प्रश्न मतलब याद थे जो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के यानी कि प्रश्न देखने को इसमें मिल रहे हैं। तो करंट और खेल से दोस्तों मैं आपको बता दूं ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, करंट के कम से कम 4 और खेल से संबंधित भी 4 प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। पेपर थोड़ा इजी भी नहीं था और हाई लेवल का भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। मैथ जरूर आप कह सकते हैं कि मैथ थोड़ा अच्छे लेवल का आ रहा है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है मैथ में।